वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आपके सिलेबस में 10 नंबर के क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है और उसमें जो टॉपिक शामिल किए गए हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे महाद्वीप को, यानी कॉन्टिनेंट्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर वीडियो में 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको नहीं पता है वो भी, लेकिन उन पर क्वेश्चंस बनते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शुरू में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी हमारे कोर्सेज स्टडी कर सकते हैं आप। जनरल स्टडीज़ और मैथ्स के कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके लिए, तो उनको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक अवेलेबल हैं, आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं। मैथ्स के बेसिक कोर्सेज आपको पढ़ने हैं तो चैनल पर भी अवेलेबल हैं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी। चलिए शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं अर्थ के बारे में। तो ये कंपोजिशन है अर्थ का। अर्थ पर क्या है, सबसे पहले अगर आप देखते हैं अर्थ पर दो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। कौन सी? एक तो लैंड वाला हिस्सा, उसका जो भूमि वाला हिस्सा है, तो ये आपको येलो कलर में जो है लैंड वाला हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक। और दूसरा हिस्सा है जो आपको ब्लू कलर दिखाई देता है, आपने देखा होगा, तो वो है वाटर, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके, एक तो है लैंड और दूसरा है वाटर, ठीक। तो जो बड़े बड़े लैंड्स आपको अर्थ पर दिखाई देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भूमियाँ जो दिखाई देती हैं, इनको कहा जाता है महाद्वीप। बहुत बड़े हैं आकार में ये, तो इनको इसलिए महा लगाया है। द्वीप, द्वीप, द्वीप क्या होते हैं, जो लैंड का ऐसा हिस्सा जो चारों ओर पानी से घिरा रहता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं द्वीप या आइलैंड, ठीक। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा दिखता है अर्थ पर आपको, वो कहलाता है पानी का, जिसको कहते हैं पानी की बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी है ये, मतलब पानी भी बहुत ज़्यादा है, बल्क में है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे महासागर। सागर में होता है पानी और बहुत बड़े सागर अगर ये हैं तो ये कहेंगे महासागर, ओशंस, ठीक। तो 71% जो अर्थ के ऊपर कंपोजिशन है वो है पानी का या महासागर का, और 29% है भूमि का, लैंड का, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंट या महाद्वीप, ठीक। तो एक बात समझ लीजिए, जो लैंड मासिस, जो भूमि नजर आती है, बहुत बड़ा टुकड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा अर्थ के ऊपर, वो कहलाता है महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, ठीक। 29% अर्थ के ऊपर कौन है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, और 71% क्या है, पानी है, पानी को ही हम कहते हैं ओशन, ओशन यानी महासागर, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। तो ये आप देख रहे हैं जो कॉन्टिनेंट वाले हिस्से हैं, तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं अभी अर्थ के ऊपर, 7 कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट के नाम आप यहाँ देख लीजिए, पहचान आप करनी सीख लीजिए, क्योंकि ये पढ़ना है हमें तो बहुत काम आएगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी इनके अलावा, ठीक। तो कॉन्टिनेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं और उनका एरिया वाइज क्या क्रम है और ये पॉपुलेशन वाइज उनकी क्या पोजीशन है आपस में ही, ठीक। तो 7 कॉन्टिनेंट है। सवाल आता है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। सवाल पहला आता है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, आंसर होगा 7। 7 के नाम ये रहे, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 हैं। अब इनको देख लीजिए आप मैप पर या इस इमेज पर, देखिए ये आपको ग्लोब है। ग्लोब मतलब क्या होता है, अर्थ का रेप्लिका। अर्थ को अगर आप शो करेंगे तो एक मॉडल की जरूरत पड़ेगी, तो वो होता है आपका ग्लोब। तो इस ग्लोब पर शो किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला हमने लिखा था, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है साइज किसका है, किस कलर में आपको दिखाई दे रहा है, वो है येलो कलर। देखिए ये येलो कलर है, ये सबसे बड़ा हिस्सा इसी का है, तो ये भी क्या है, कॉन्टिनेंट है। ये सारे अलग अलग रंगों में दिखाए हुए हैं कॉन्टिनेंट, तो ये है एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक। फिर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आते हैं वापस, सवाल इन पर ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से या फिर ऐसे जितने भी महाद्वीप पृथ्वी पर मौजूद हैं उन सब में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अब सवाल ऐसे पूछेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आंसर होगा एशिया। तो एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार जो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसकी पोजीशन मैंने यहाँ लिख दिया 1 है। और अगर बात करें एरिया वाइज दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट विश्व का कौन सा है या अर्थ पर कौन सा है, वो है अफ्रीका, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर अफ्रीका आता है और थर्ड पोजीशन पर अगर आप देखेंगे तो आता है नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ पोजीशन पर आता है साउथ अमेरिका, और फिफ्थ पोजीशन पर आता है अंटार्कटिका, और सिक्स पोजीशन पर आता है यूरोप, और सातवीं पोजीशन पर आता है ऑस्ट्रेलिया। सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, तो ये होगा एशिया। सवाल आता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया। सेवंथ पोजीशन ऑस्ट्रेलिया है, ठीक।
चलिए ये तो हो गया आपके क्षेत्रफल के अनुसार। अब बात करते हैं पॉपुलेशन पर भी पूछता है, तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, काउंटर क्वेश्चन ही है इसी के जैसा है, तो वो भी मैंने यहीं मेंशन कर दिया आपको, ये भी कर लीजिए। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आंसर होगा एशिया। फर्स्ट पोजीशन पर है दोनों में ही ये, ठीक। क्यों? एशिया में दो बड़े देश हैं, एक तो है भारत और दूसरा है चाइना, क्योंकि इन दोनों की पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज्यादा है, और विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, चाइना की, उसके बाद आती है इंडिया की। तो इन दोनों की पॉपुलेशन अगर मिला दी जाए, उसी की वजह से जो है एशिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो जाती है, ठीक। दूसरी पोजीशन पर कौन है, अफ्रीका। अफ्रीका जो है पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज दोनों जो है दूसरे नंबर का महाद्वीप है। यानी सवाल इस तरह से आता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और या फिर आपको पॉपुलेशन के हिसाब से भी, ठीक है। तो वो अफ्रीका है। और थर्ड पोजीशन पर देखिए, थर्ड पोजीशन पर अगर पॉपुलेशन की बात की जाएगी तो वो है यूरोप, ठीक। उसके बाद में फोर्थ पोजीशन पर नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पोजीशन पर साउथ अमेरिका, ठीक है, सिक्स्थ पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ पर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर पॉपुलेशन नहीं है, ठीक, वहाँ सिर्फ रिसर्च सेंटर ही है, कुछ लोग ही मौजूद रहते हैं वहाँ पर, साइंटिस्ट लोग, ठीक। आगे बढ़िए, चलिए इन कॉन्टिनेंट्स को अब देख लीजिए। अभी हमने देखा, अब ये हमने एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज देख लिया, अब आप यहाँ नज़र डालिए इन पर कि आपको कौन सा सबसे बड़ा लग रहा है, जो कलर है सबसे ज़्यादा कंपोजिशन या फिर कलर सबसे ज़्यादा कौन सा फैला हुआ है। तो आप येलो कलर देख रहे होंगे, ये येलो कलर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है इन कलर्स में, है ना। तो ये एशिया है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप नंबर एक पहली पोजीशन पर। दूसरी पोजीशन पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। उसके बाद में देखिए इस, ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये बड़ा भाग है, तो ये दूसरे नंबर का है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है कौन सा, अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा देखिए ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये है नॉर्थ अमेरिका, थर्ड पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पर आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका, ठीक, सॉरी ये फोर्थ पोजीशन है। फिफ्थ पोजीशन पर आपको दिख रहा है कौन सा, अंटार्कटिका। पांचवी पोजीशन, छठी पोजीशन पर आपको दिख रहा है यूरोप, ठीक। सातवीं पोजीशन पर आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये सातों कॉन्टिनेंट्स हैं, आप अपने जहन में रखिएगा। आगे हम जो इसके जो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स होंगे बहुत काम आएगा इसमें, ठीक है। अभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं वगैरह सभी इसी पर डिस्कस होनी है, ठीक। तो ये आप ऐसे याद रख लेंगे। चलिए आप सवाल देखिए किस तरह से पूछा था, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द ऑन द अर्थ या फिर अकॉर्डिंग टू द एरिया है, ठीक है, एरिया वाइज। तो एशिया रहेगा, या जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर इस तरह से पूछता है, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी एशिया ही है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप या क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, पॉपुलेशन वाइज या एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड अफ्रीका है। इस तरह से आप याद रखेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्वेश्चंस को टेस्ट करने की मैंने सारे डाल दिए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़िए, अब पहले हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अंटार्कटिका को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का सवाल इस तरह से आता है, अंटार्कटिका विश्व का जो है कौन से नंबर पर आने वाला, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है, ठीक। तो ये है पांचवी पोजीशन पर, विश्व का या फिर पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। पृथ्वी का दक्षिणतम यानी सदर्न मोस्ट महाद्वीप कौन सा है, सबसे ज्यादा दक्षिण में कौन सा है, अंटार्कटिका ही है, इस नाम से भी पूछा जाता है। अब निर्जन महाद्वीप किसको कहा जाता है, निर्जन महाद्वीप, जन मतलब होता है पीपल, लोग, ठीक है, इंसान, निर्जन मतलब नहीं, तो निर्जन मतलब निर्जन महाद्वीप ऐसा महाद्वीप जहां पर कोई जन या फिर पीपल या जनसंख्या ही नहीं है, तो कौन सा है, उसको भी अंटार्कटिका ही कहा जाता है। बस हम बहुत से कम लोग रहते हैं, सिर्फ वहां साइंटिस्ट वगैरह ही रहते हैं, वहां पर रिसर्च सेंटर्स ही हैं, ठीक, इसलिए इसको निर्जन महाद्वीप ही कहा जाता है। फिर दूसरा, फिर इस तरह से पूछा जाता है श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, ये भी कौन है, अंटार्कटिका ही है। श्वेत महाद्वीप क्यों है, क्योंकि वहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और कुछ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की, ये आएगा जेम्स कुक ने, ठीक, जेम्स कुक ने। और कैप्टन जॉन डेविस जो है पहली बार अंटार्कटिका की भूमि पर 7 फरवरी 1821 में पहुंचने में ये सफल हुए थे, इन्होंने सिर्फ पता लगाया था, ठीक है, बट सफल जो हुए थे उसकी लैंड पर पहुंचने पर, जो बर्फ है वहां अंटार्कटिका पर, उसकी भूमि पर, वहां पर जॉन डेविस पहुंचे थे। अगला देखिए, और जब ये अर्थ आपने देखा तो यहां पर इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट ये है, यहीं पर क्या है आपका दक्षिणी ध्रुव, भी है साउथ पोल यहाँ है, नॉर्थ में नॉर्थ पोल है, और यहाँ अंटार्कटिका में क्या है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर इस साउथ पोल पर, दक्षिण पोल पर सबसे पहले पहुँचने वाले विश्व के व्यक्ति कौन थे, ये थे आपके
एमंडसन, एमंडसन कौन थे, ये नॉर्वे के थे, ठीक है, 1911 में जो है ये पहुंचे थे वहां पर। चलिए अब देखिए, अब सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये बनता है, जब वहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं है तो वहां पर होता क्या है, तो वहां पर सिर्फ बर्फबारी है, बर्फ ही है। तो भारत में जो है, भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला रिसर्च सेंटर, काफी देशों के वहां रिसर्च सेंटर हैं, तो भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला रिसर्च सेंटर डाला था, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, 1983 में स्थापित किया था, बट ये अब फिलहाल नहीं है। ठीक, तो सवाल आता है, अंटार्कटिका में भारत का पहला रिसर्च सेंटर या शोध केंद्र, उसका नाम क्या है, तो आंसर होगा दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, इसके बाद में दूसरा रिसर्च सेंटर बनाया गया, उसका नाम था मैत्री, इस नाम से भी पूछा जाता है 1989 में, सेकंड के नाम से भी। थर्ड रिसर्च सेंटर है लार्समन हिल्स, ठीक है। तो ये तीन सेंटर्स हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं जो लैंड है वहाँ का, अंटार्कटिका का, उस पर जो सबसे बड़ी पीक कौन सी है, चोटी कौन सी है, ऊंचाई हाइट की कौन सी पीक है, तो माउंट विंसन के नाम से आएगा या फिर विंसन मासिफ के नाम से मिलेगा, ठीक है। माउंट विंसन या फिर विंसन मासिफ जो है इज द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका, ठीक। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विंसन, ठीक है, उस कॉन्टिनेंट की पूरे। और एक इस पर जो एक एक्टिव वॉल्केनो भी है, इसके कहते हैं हम क्या, सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब लावा का इरप्शन निकलता रहता है लावा में, तो ये है माउंट इरेबस, ठीक, इसको याद रख लेंगे। अब देखिए सेकंड कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, तो सेकंड कॉन्टिनेंट अभी देखा था विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से, वो है अफ्रीका, ठीक। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन है, अफ्रीका है। तो विषुवत रेखा जो इक्वेटर लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है अर्थ के ऊपर, विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक। अफ्रीका इज कट बाय इक्वेटर इन द मिडल, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर पृथ्वी पर खींची गई तीन जो काल्पनिक रेखाएं इमेजिनरी लाइंस हैं, वो मैं आपको अक्षांश और देशांतर में करवाऊंगा, उसको बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ आएगा वो, अगर आपको नहीं आता है वो, ठीक। तो विषुवत जो काल्पनिक रेखा है, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा, यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों की तीनों काल्पनिक रेखाएं इमेजिनरी लाइंस जो है यहां से पास करती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब यहां देखिए इसको, हाँ, विश्व में, अच्छा वो आपका एक क्वेश्चन छूट गया था यहाँ पर, देखिए विश्व में सबसे कम तापमान कहाँ पर पाया जाता है, जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स में और जो पूरा कंपोजिशन है वाटर कॉन्टिनेंट्स का, उसमें सबसे कम तापमान, लो टेम्परेचर किस जगह का है, तो ये है वोस्टॉक कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका में, और यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था -89.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर यहाँ पाया गया था। तो द लोएस्ट नेचुरल टेम्परेचर एवर डायरेक्टली रिकॉर्डेड एट द ग्राउंड लेवल ऑन द अर्थ इज -89.2 डिग्री सेल्सियस, और अगर फारेनहाइट में आप दे सकते हैं इस तरह से, और ये केल्विन में दे सकते हैं, ठीक है। तो एट सोवियत वोस्टॉक स्टेशन इन अंटार्कटिका, ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखते हैं अफ्रीका के कुछ और फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका इज कॉल्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीका को जो है अंधकारपूर्ण महाद्वीप भी कहा जाता है। अंधकारपूर्ण महाद्वीप क्यों कहा जाता है, आपने देखा होगा वहां के लोग होते हैं काले, तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि वहां के लोग काले हैं, तो इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट, बट ये गलत है परसेप्शन, ठीक है। वहां के लोग काले होने की वजह से अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट नहीं कहा जाता। देखिए जब अभी हमने यहां देखा था, मैप पर आइए, देखिए यहां पर देखिए, ये जो लैंड है इतना बड़ा लैंड, बहुत काफी ज्यादा टाइम के लिए अननोन रहा था, किसी को पता ही नहीं था, यहां तक तो पता था सबको इधर, ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद में किसी को मालूम ही नहीं था कि इसके आगे भी बहुत बड़ा लैंड है या बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट छिपा हुआ है, ठीक। तो डार्क कॉन्टिनेंट मतलब अंधेरे में रह गया, पता ही नहीं लगा पाया कि काफी दिनों तक कि यहाँ इतना बड़ा लैंड मास भी अवेलेबल है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। तो ये अननोन रह गया था इस वजह से, ना कि वहां के लोग काले हैं, उस वजह से उसको डार्क कॉन्टिनेंट नहीं कहा जाता, क्योंकि ये काफी दिनों तक जो है अननोन रहा था, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम पार्ट ऑफ रिमेन अननोन टू द सिविलाइज वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम, यानी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा उस समय लोगों को मालूम ही नहीं था, है ना, तो इसलिए कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करते हैं, तो सवाल आता है कि इसमें देखिए द्वीप, आपने सुना होगा द्वीप, द्वीप कह लीजिए, फ्लो में द्वीप निकलेगा,
तो ये द्वीप एक्चुअली तो आइलैंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और प्रायद्वीप को बोलते हैं पेनिनसुला, है ना। तो अब इनमें डिफरेंस समझ लीजिए है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही सिंपल भी है। कोई लैंड अभी आपने देखे थे, लैंड अगर आपने देखा है तो लैंड के चारों, ऐसा लैंड, ऐसा भूमि का हिस्सा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो वो कहलाता है आइलैंड, यानी चारों ओर से पानी से घिरा, ये देखिए सब वाटर है इसके चारों ओर, तो वो कहलाएगा आपका आइलैंड, ठीक। दूसरा, अगर लैंड का वो हिस्सा जो पानी से तीन साइड से घिरा हो, तीन साइड से घिरा हो, उसको कहेंगे पेनिनसुला। इंडिया का मैप आपने देखा, अर्थ पर आपने ग्लोब देखा होगा, अर्थ पर देखेंगे आप तो इंडिया जो है वो तीन साइड से देखिए वाटर से घिरा हुआ है, भारत तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ है, तो ये क्या है पेनिनसुला। तो इंडिया को कहा जाता है इंडियन पेनिनसुला, है ना। अब कुछ एग्जांपल देख लो जो पेनिनसुला और आइलैंड्स के हैं, तो श्रीलंका क्या है, ये एक आइलैंड है, आप अभी मैं दिखाऊंगा आपको। फिलीपींस क्या है, आइलैंड्स, यानी ये देश जो है चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं ये। मालदीव है, जापान है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, तो आइलैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर, ठीक, ग्रीनलैंड। अब सवाल आता है इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। अब पेनिनसुला के एग्जांपल देख लो, अरेबियन पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप, यानी अरब प्रायद्वीप जो है वो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो सवाल आता है लार्जेस्ट प्रायद्वीप या सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक। सवाल देखिए, इंडिया क्या है, इंडिया भी क्या है, एक पेनिनसुला है, लैब्राडोर पेनिनसुला है, ऐसे ही एक सिनाई है, सिनाई पेनिनसुला। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिनाई को डिस्कस करेंगे, ये है क्या चीज। चलिए, और वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको पसंद आया तो अभी लाइक कर दीजिएगा इसको, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो तैयारी में इसको बहुत तेजी से हम सारा इसको जितना भी अभी पर्यावरण में है, ये जीएस वाला पोर्शन लगभग 80 मार्क्स का बैठ रहा है आपका, वो सब मैं करा दूंगा आपको, बट आपको भी रिस्पॉन्स देना होगा ऐसे ही, क्योंकि जितनी मेहनत आपको नहीं करनी, जितनी कम समय में आपको ये डिलीवर हो रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा समय लगता है इसको तैयार करने में, इस चीज़ को समझिए आप। थैंक यू सो मच।